हल्दी जो कि टर्मरिक विच इज अ वेरी पावरफुल मतलब आप ये कहिए कि कुदरत की तरफ से हमारे लिए एक वरदान है गाइस हल्दी जो कि हम हमारी नानी दादी के टाइम से सुनते आ रहे हैं कि हल्दी हल्दी अगर कुछ भी होता है अगर आपको कहीं कट लग गया हल्दी वाला दूध दे दीजिए कहीं पर पेन हो रहा है सो तो आप खुद सोचिए इस चीज़ के कितना बेनिफिट होगा कि क्यों हमें बार-बार बोला जाता था हल्दी वाला हल्दी वाला दूध पिलाइए लेकिन द थिंग इज गाइस ऐसा है पता सबको होता है सब हर कोई जानता है कि हल्दी वाले दूध का बेनिफिट है बट सम क्या होता है मैं हमारे मेरे प्रीवियस वी, वीडियोस में भी कह कहती हूँ कि देखिए सोशल मीडिया इज द प्लेटफार्म जब कई बार हमें किसी के बोलने या हम हमें उस वीडियो के देखने से इंपैक्ट पड़ता है सो so, गाइस अगर आपने मतलब देखिए मैं ये नहीं कहती हूं कॉफी की जगह कॉफी लीजिए टी की जगह टी लीजिए बट अगर आपने रात के टाइम स्पेशली रात को ही हम लोग दूध पीते हैं अगर आपने अप... तक ये चीज़ आप स्किप कर रहे थे ना सो so नाइज आज से ही फायदे तो मैं बाद में आज से माइंड सेट कर लीजिए खुद भी आपकी फैमिली के लिए भी घर में बुजुर्ग हैं उनको भी सबको जो है रात को एक कप जो है हल्दी वाला मिल्क जिसको कि गोल्डन मिल्क कहा जाता है वो प्लीज जरूर दीजिए देखिए जितना मैं तो ये कहूंगी ये मान के चलिए इसको अगर आप किसी को पिला रहे हैं ना आपको भी उसका पुण्य मिलेगा ये सोचकर ही आप आज से ही सबको पिलाना स्टार्ट कीजिए गाइस ट्रस्ट मी हल्दी में मतलब इत इतनी गुणवत्ता है इतनी प्रॉपर्टीज है मैं क्या कहूं हल्दी देखिए इसीलिए आयुर्वेद में आप हल्दी के बारे में पढ़िएगा इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं जिन्हें मैं एक वीडियो में इवन कवर नहीं कर सकती लेकिन मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि हल्दी कहाँ कहाँ पर यूज की जाती है कैसे यूज करनी है क्या क्या चीजें इससे जो है वो प्योरीफाई होती हैं सी देखिए हल्दी में जो है ना बहुत सारे वाइटमिन बहुत प्रॉपर्टीज हैं हल्दी जो है इसमें एक करक्यूमिन नाम का एक एसिड मतलब एक प्रॉपर्टीज है जो कि मेन इसका फीचर है जो हमारे लिवर हमारे हार्ट मतलब इन चीजों के लिए जैसे देखिए इवन की आप मानेंगे नहीं इसमें कैंसर को बीट करने की भी पावर होती है ठीक है? लेकिन वही की चीजों को जो है एक तो कम क्वांटिटी में लेना है बहुत ज्यादा नहीं खाना है क्योंकि हल्दी की जो तासीर होती है वो हल्की सी मतलब एक गर्म तासीर को जो है हल्दी को माना जाता है लाइक अदरक हो गया हल्दी हो गई बट ये इसका कंज्यूम करने से आपको कोई नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा ठीक है तो देखिए हल्दी में जो है वो एंटीबायोटिक बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं हल्दी में जो भी आजकल लाइक अभी सुनने में आ रहा है अगेन कोविड जो है वो इन हो रहा है धीरे धीरे तो देखिए अपनी बॉडी को उसी उसी चीजों के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए हल्दी में जो है वो वायरल जितने भी हमारे जो है इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं तो जो भी फ्लू या वायरल जो होते हैं उनसे इसमें फाइट करने की जो है वो क्षमता होती है ठीक है तो अभी देखिए हल्दी का यूज जो है वो आपको कहाँ कहाँ बेनिफिट देता है मैं वो आपको बताती हूँ देखिए अगर किसी को ऐसा लगता है बताया जाता है कि हार्ट

अगर स्टमक अल्सर कईयों को इस चीज की प्रॉब्लम होती है स्टमक में अल्सर होता है क्योंकि इसमें जो है देखिए जब कहीं चोट लगती है तो हम लोग इसीलिए ऊपर हल्दी लगा देते हैं क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं उतना ही लेकिन सिर्फ आप बाहरी चीज को नहीं आप इसे कंज्यूम कीजिए ठीक है इसमें इस, इस चीज के लिए आपके ब्रेन के लिए अगर आप रात को देखिएगा अगर आपका रात को सोते समय आप हल्दी दूध का एक कप लेते हैं तो आप देखिएगा कि आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है आपको बहुत ही कामली मतलब आपके माइंड के सेल्स इससे जुबिनेट होते हैं सो इट इज वेरी गुड फॉर योर माइंड आल्सो एंड वेरी गुड फॉर योर स्ट्रेस लेवल आल्सो सो आप इस इन चीजों के लिए लीजिए अगर आपके किसी के भी ज्वाइंट में पेन्स होती है ट्रस्ट मी हल्दी लेके देखिए आप अगर रात को हल्दी वाला दूध लेते हैं ना मॉर्निंग में आप देखिएगा आपको बहुत ही रिलैक्स फील होता है आपके जो ज्वाइंट पेन है उनमें भी इससे जो है वो मतलब बहुत अच्छी आपको जो है वो एक रिलैक्सेशन मिलती है और हल्दी वाला दे, है और आपको मिले, तो देखिए ऐसा तो नहीं होगा किसी तरह का अगैन uh, मतलब प्रोसेस है जिन चीजों में थोड़ा टाइम लगता है और आप, आप देखिए अगर आप कोल्ड या कफ जैसी चीजों से परेशान हैं इवन देखिए कुछ लोगों ऐसा कहते हैं कि आपको हल्दी सिर्फ सर्दियों में विंटर में लेनी चाहिए समर्स में लेनी नहीं लेनी चाहिए या जिनको जॉन्डिस है तो ऐसी ऐसा ये एक मिथ है मुझे नहीं लगता हाँ मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं बट ये मैंने इस चीज पे रिसर्च किया था क्योंकि मैं एक बार मतलब अपने हस्बैंड को जो है मेरे हस्बैंड को भी इस तरह की आई थिंक उनको जो है वो एलर्जिक एलर्जी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी तो मुझे डॉक्टर ने आयुर्वेदिक डॉक्टर ने सुजेस्ट किया था आप इन्हें हल्दी वाला दूध दीजिए लेकिन उनकी प्रीवियस हिस्ट्री में उनको जॉन्डिस हुआ था तो आई वॉज लाइक कि उनको भी लगने लगा कि हल्दी वाले दूध दे रहे हो लेकिन मुझे जॉन्डिस हुआ था देन आई एम अगेन गोइंग बैक टू द डॉक्टर एंड उनसे मेरी डिस्कस हुई उन्होंने मुझे इसके बारे में पूरा बताया कि ऐसा ये एक मिथ है आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिए

आप दूध लीजिए ठीक है उसको पहले आप अच्छे से बॉईल कर लीजिए बहुत उबलते हुए दूध में चीजों को मिक्स ना करें आप उसको बॉईल कर लीजिए देन आप उसमें जो है वो मान लीजिए आप हाफ चम्मच हाफ से भी थोड़ा सा टेबल स्पून जो आपका होता है उससे भी आप कम जो है हल्दी लें प्लस आप उसमें ब्लैक पेपर डालें इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन चाहे तो उसमें इलायची ऐड कर सकते हैं नहीं तो ये दो चीजें भी देखिए कुछ लोगों को क्या होता है कि मतलब विंटर्स में जो है स्पेशली

अगर आपको दूध के साथ हल्दी अच्छी नहीं लगती है, तो इसको आप जो है वो पानी के साथ भी ले सकते हैं बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो दूध के साथ हल्दी लेना प्रेफर नहीं करते हैं लाइक इट इज जस्ट डिटॉक्सिफाई डिटॉक्सीफाई लीवर अगर आप लीवर के ऊपर अपनी ऊपर uh, वर्क करना चाहते हैं तो आप हल्दी को लीजिए मैं तो कहूंगी अगर नेचुरल हल्दी आपको कहीं से मिल जाए तो नथिंग लाइक इट आप हल्दी लीजिए उसका एक स्लाइस लीजिए और उसको पानी में डिप करके पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए मॉर्निंग में आप सिप सिप करके उस पानी को पीजिए आपका लीवर जो है गाइस ट्रस्ट मी आपका लीवर इससे जो है वो डिटॉक्सिफाई होने जाएगा एंड नाउ वन एंड ओनली मीन्स वन बट नॉट द लीस्ट दैट इज हल्दी इज वेरी गुड फॉर योर स्किन अगर आप स्किन पे क्योंकि देखिए बहुत टाइम पे हम लोग शादियों में देखते हैं कि उपटन की रसम होती है तो देखिए ये जो चीजें बनाई गई ना इनके पीछे कोई ना कोई कोई ना कोई चीज होती थी क्योंकि पहले इस तरह के फेशियल या इस तरह की फैसिलिटीज नहीं होती थी सिर्फ हल्दी पर से ही एक ब्राइड को चमकाया जाता था सो so, इसमें क्या होता है इसमें एंटीबैक्टेरियल प्रॉपर्टीज होती हैं आपके स्किन के लिए जो है वो एजिंग के लिए एक्ने के लिए एजिंग के लिए या आप फेस पे स्कार्स हैं तो इसीलिए आपको हल्दी जो है वो फेस के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है हल्दी मिल्क भी लीजिए और हल्दी को आप फेस पे लगाना तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ तो सर्दियों में मैं आपको बताऊंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में कि आप सर्दियों में हल्दी का यूज किस तरह से अपने फेस के लिए करें मतलब बहुत सी मैथड्स हैं बट फिलहाल

तो एक मदर या एक जो होती है ना वो ऑटोमेटिकली स्वस्थ हो जाती है क्योंकि अगर उनकी फैमिली बिल्कुल सही चल रही है बच्चे बीमार नहीं पड़ रहे हैं बुजुर्ग अच्छे हैं तो देखिए हम तो एक लेडी तो ऑटोमेटिकली बहुत सी चीजें फेस करनी होती हैं तो एक लेडी तो ऑटोमेटिकली खुश हो जाती है राइट सो देखिए आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को शेयर करें सब्सक्राइब करें एंड अपनी और फैमिली मेंबर्स के साथ अपनी बहनों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें सो दैट की सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सके और आज से ही दूध सबके लिए बनाकर प्रिपेयर कर सके सो थैंक यू गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय